ऊर्जितम एव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम्। प्रत्येक वस्तु में जो भी आकर्षण करने वाला तत्व है वही ईश्वर है। वस्तु में जो सौंदर्य है वही ईश्वर है। लोग शुद्ध सौंदर्य को ग्रहण नहीं करते, वे उसे किसी वस्तु या क्रिया के साथ मिलाकर देखते हैं, इसलिए उनका वस्तुओं के प्रति राग द्वेष होता है। यदि शुद्ध सौंदर्य को ग्रहण किया जाए तो राग द्वेष हो ही नहीं सकते, किंतु उसे संसारी पुरुष ग्रहण नहीं कर सकते। वह तो सच्चे प्रेमियों की ही पकड़ में आता है। महाराज जी, वेदांत ग्रंथों में आता है कि उपासक प्रतिमा में विष्णु आदि का तथा नाम में भगवत बुद्धि का आरोप करता है, किंतु उपासक तो ऐसा नहीं समझता। फिर यह कथन किसकी दृष्टि से है? इसे उपासक और तत्ववेत्ता दोनों की दृष्टि से आरोप नहीं कहा जा सकता। यह कथन केवल जिज्ञासु की दृष्टि से है, जो जड़ और चेतन दोनों की सत्ता स्वीकार कर उनका विवेक करता है। भक्त की दृष्टि में भगवत विग्रह और भगवान नाम जड़ नहीं है, चिन्मय है, और बोधवान की दृष्टि में जो कुछ है वह सभी सच्चिदानंद स्वरूप है। उसके लिए तो एक अखंड चिदघन सत्ता से भिन्न और किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। ज्ञान अच्छा है या भक्ति, वेदांत अच्छा है या भगवान की चर्चा, इस पर पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश सुनेंगे। एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी, वेदांत चर्चा विशेष लाभप्रद है या भगवान की चर्चा? तब महाराज जी ने कहा, अत्यंत वैराग्य युक्त तर्क प्रधान पुरुषों के लिए वेदांत विचार विशेष लाभप्रद है, और हृदय प्रधान पुरुषों के लिए भगवान की चर्चा विशेष लाभप्रद है। भक्तों के लिए वेदांत चर्चा विघ्न रूप है, किंतु वेदांतियों के लिए भगवत चर्चा विघ्न रूप नहीं है। जिस स्थान पर वेदांत की चर्चा होती हो, भक्त वहां से उठकर चला जाए, मुझे ऐसा अनुभव हो चुका है कि वेदांत की बातें सुनकर भक्तों का सारा भक्ति भाव नष्ट हो जाता है। इसीलिए मैं ऐसा कहता हूं, शास्त्र में इस संबंध में क्या लिखा है इसका मुझे पता नहीं। महाराज जी, क्या भक्तों पर भी प्रारब्ध का प्रभाव रहता है? भक्तों के लिए प्रारब्ध नाम की कोई चीज नहीं है, वह तो ज्ञानियों के लिए है। जिनका भगवान से संबंध हो गया है उनका प्रारब्ध क्या कर सकता है? महाराज जी, तत्व ज्ञान और भगवत दर्शन इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? तत्व ज्ञान में केवल शुद्ध ब्रह्म ही रहता है, उसमें भक्त और भगवान का अत्यंत अभाव है, इसलिए मुमुक्षु के लिए तत्वज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि वह निर्वाण पद है, और भक्त के लिए भगवत दर्शन श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें भक्त और भगवान दोनों रहते हैं। यह प्रेम पथ है, इन दोनों में भगवत दर्शन ही अधिक उपादेय और विशेष हितकर है। महाराज जी, द्वैतवादी और अद्वैतवादी का मेल कैसे हो सकता है? इनमें एक तो ईश्वर से अपना भेद मानता है और दूसरा अपना अभेद मानता है, इन दोनों का मेल क्यों नहीं हो सकता? क्या अद्वैतवादी भजन नहीं कर सकते? श्री नारद आदि क्या अद्वैत
वही है जो अहर्निश